मैं हूँ सूरज और आप हैं स्टडी फैंस क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे फेमस जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे यूनिवर्सिटी में होता क्या है और यहाँ क्या क्या चीज़ की डिग्रियाँ प्राप्त की जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पीछे देख रहे हैं। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी का ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एडमिशन ओपन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अवेलेबल है। और हमारे सुविधा के लिए बगल में बैंक एटीएम दिया गया है, ICICI बैंक का एटीएम है जो कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी रहते हैं उनकी कोई असुविधा ना हो उसके सुविधा के लिए यहाँ पे एटीएम उपलब्ध कराया गया है। और बात की जाए जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में तो ये लमसम 100 एकड़ के दायरे में फैला हुआ है और इतनी बड़ी ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है कि यहाँ का सबसे मोस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है इसे और है भी। तो इसमें आपको डी फार्मा एग्रीकल्चर और अन्य भी डिग्रियां करने को मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बी फार्मा के। मैं तो खुद ही एक बी फार्मा का स्टूडेंट हूं और ये पूरे 4 साल में कंप्लीट होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और 8 सेमेस्टर को बारीकी रूप से पढ़कर और अच्छे अंक से उत्तीर्ण होकर पास किया जा सकता है जिससे कि आपको डिग्री मिलेगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के गेट पे, जो कि ये हमारे सामने फार्मेसी डिपार्टमेंट दिख रहा है और ये फार्मेसी डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी करके लिखा गया है। तो इसके अंदर आपको 2 तरह की पढ़ाई होती है फार्मेसी में, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। जैसा कि हमने आपको बताया कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में क्या होता है, आज तो अभी अंधेरा हो चुका है, हम फार्मेसी डिपार्टमेंट के गेट तक ही आ चुके हैं और इससे आगे जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।